उज्जैन के कोठी पैलेस से नए कलेक्टर भवन में सामान शिफ्ट किया जा रहा है। इसी बीच सोमवार को अपर आयुक्त कार्यालय में अचानक से आग लग गई। कुछ देर में पहुंचे दमकलों ने आग पर काबू पाया। अपर आयुक्त के रीडर धनराज पालीवाल कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने आग लगी हुई देखा। इसके बाद सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। वहां से दो दमकलें मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण पहले मीटर में आग लगी, इसके बाद लकड़ी की सीढ़ियां जलने लगी। फायर ब्रिगेड से पहुंची दो दमकलों ने आग बुझाई। कोठी से कई कार्यालयों का सामान एवं फाइलें नए भवन में शिफ्ट किए जा चुके हैं। अब कुछ ही सामान बचा हुआ है जो धीरे धीरे वहां पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले भी कोठी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लगी थी, जिससे कई फाइलें भी जल गई थी। कोठी पैलेस पर आज सुबह करीब 9:30 बजे अपर आयुक्त महोदय का कार्यालय है, उसके पास में जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसके पास में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ पुराने रद्दी कागज और कचरे जला था। कोई जनहानि किसी तरह की नहीं हुई और लगभग आधा घंटे में ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था।